तो की हाल चाल दोस्तों, आज गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स का बेहद ही रोमांचक आईपीएल मैच खेला गया, जहां पहले बैटिंग करते हुए गुजरात ने बनाए 177 रन। 178 रनों का पीछा करते हुए मैच काफी ज्यादा रोमांचक मोड़ पर चला गया, जहां आखिरी चार ओवर में राजस्थान को 44 रन चाहिए थे और क्रीज पर मौजूद थे शिमरॉन हेटमायर और ध्रुव जोरेन। 17वें ओवर से नूर अहमद ने सिर्फ 8 रन ही दिए, वहीं राशिद खान के 18वें ओवर से दोनों बल्लेबाजों ने 13 रन स्कोर किए। अब दो ओवर में 23 रन चाहिए थे। 19वां ओवर डालने आए मोहम्मद शमी, जहां ओवर की पहली बॉल पर ध्रुव जोरेन ने सिक्स लगा दिया, वहीं दूसरी बॉल पर ध्रुव भी आउट हो गए। वहीं ओवर की तीसरी बॉल पर क्रीज पर 9वें आए अश्विन ने 4 लगा दिया, वहीं चौथी बॉल पर इस बार अश्विन ने 6 लगा दिया, पर 5वीं बॉल पर अश्विन भी आउट हो गए, जहां पूरे ओवर से आए 16 रन अब 6 गेंदों पर 7 रन चाहिए थे। 20वें ओवर की पहली बॉल पर हेटमायर ने डबल लिया, वहीं ओवर की दूसरी बॉल पर हेटमायर ने 6 लगा दिया, जहां राजस्थान ये मैच 3 विकेटों से जीत गई। तो दोस्तों, राजस्थान की जीत का असली हीरो कौन है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें।